हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। हम पढ़ रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर की मैथ और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अवकलन, और अवकलन की हमने 12 क्लासें लगा ली हैं, शानदार क्लासें लगाई है। और प्राचलिक समीकरणों से हम अवकलन कर रहे थे जो 12वीं क्लास में हमने किया था, तो उसकी हमने एक क्लास लगा ली है, आज उसकी लास्ट क्लास रहेगी। मैंने बताया था प्राचलिक समीकरणों से अवकलन करने का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% गारंटी के साथ आएगा। वो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ बात को, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अगर किसी ने वो पहले वाली क्लास नहीं देखी है मेरी, वैसे तो आपको कंप्लीट क्लासें देखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मैथ लगती है, अगर वो उसको फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको कंप्लीट करना है, तो आपको क्या है सारी क्लासें फॉलो करनी पड़ेगी। तो आज उसकी सेकंड क्लास रहेगी हमारी प्राचलिक समीकरणों की। दो क्लासें मैंने बताई थी, दो क्लासों में हम इसको फिनिश कर लेंगे और दो क्लासों से एक क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, दिल से लाइक करना, और पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि हमारे चैनल पे आने वाली प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस क्लास को जल्द से देख पाओ और उसका लाभ उठा सके। और शेयर करना तो भूलिएगा ही मत, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों को पास आप क्लास को भेजना। जितने भी आपके दोस्त हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उस पर हमारी क्लासों का शेयर नहीं रुकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, ताकि हम और बेहतर लेके आए। तो आज की हमारी सेकंड क्लास रहेगी प्राचलिक समीकरणों की। एक आपके कमेंट आते हैं, सर बुक से कराइए। अरे यार, मेरे पास तो इतने क्वेश्चन है नहीं, इतने में क्वेश्चन जानता नहीं हूं कि, तो आपकी बुक से ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अच्छे तरीके से मैं आपको बुक दिखा देता हूं, कौन सी बुक है, ये वाली बुक है, ठीक है। इस बुक से ही आपका सारा सिस्टम चल रहा है, तो मैं क्या है अपनी तरफ से नहीं करा रहा, इसी बुक से करवा रहा हूं। जितना मैटर आपका इस बुक से आएगा वो इस बुक से ही करवाऊंगा, और जो बच गई यूनिट वो मैं अपने पास से करवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपने पास से करवाऊंगा तो वो परीक्षा में आएगा नहीं, 100% आएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं। सभी क्लास देख लीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा, ठीक है ना। हमारे चैनल पर आपको फ्री में कोर्स दिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहा, 100% करा रहा हूं, दिल से करा रहा हूं यार। तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चलिएगा। हम कर रहे थे प्राचलिक समीकरणों से अवकलन ज्ञात करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक्स इज इक्वल टू लॉग टी और वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी प्लस में कोस टी। ये क्वेश्चन है, एक बार मेरे को ये बता दीजिएगा अभी सभी कि इसमें प्राचल कौन है। मैंने बताया था प्राचल यानी दो चर एक्स और वाई किसी तीसरे चर पे डिपेंडेंट हो, उसे प्राचल कहते हैं। यहां पे दो चर हैं एक्स और वाई, वो किसी तीसरे चर पे डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर हैं उस पे, ठीक है। तो यहां पे जो प्राचल होगा वो क्या होगा, टी होगा। तो आपका राइट आंसर होगा सर, यहां पे टी प्राचल है।
हमें ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो हमें उस x और y का दोनों इक्वेशनों का उस प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर dx अपॉन में dt इज इक्वल टू d अपॉन में dt। यहां पे मेरे पास log t है, घबराना मत। अगर यहां पे x होता और मैं x के सापेक्ष करता तो log x का अवकलन आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है, और ये एक सूत्र भी है, सूत्र के रूप में भी है। तो log t का t के सापेक्ष हो जाएगा 1 अपॉन t, तो log x का x के सापेक्ष 1 अपॉन x होता है ना, उसी तरीके से यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन में t। यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब मैं करूंगा y का t के सापेक्ष अवकलन, ये रहा देखिएगा dy अपॉन में dt, यहां से d अपॉन में dt, मेरे पास है e की पावर t प्लस में cos t, घबराना मत, बहुत इजी है। एक बार e की पावर t के सापेक्ष प्लस का चिन्ह है, एक बार अवकलन करना है t है सॉरी यहां पे, तो cos t के सापेक्ष। अब आप जानते हैं e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, सर e की पावर x होता है, ठीक है, तो e की पावर t का t के सापेक्ष e की पावर t, प्लस का चिन्ह, cos t का या cos x का x के सापेक्ष अवकलन। आप बोलोगे सर माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, लेकिन यहां पे टी है तो ये यहां पे प्लस है, ये माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन टी। ये इक्वेशन आपने दे दिया एक नंबर और ये इक्वेशन दे दिया आपने दो नंबर। आपको चाहिए क्या, भी आपको ज्ञात करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी ऊपर तो आना चाहिए वाई और नीचे आना चाहिए एक्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण दो में, समीकरण एक का भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा dy अपॉन में dx बचेगा, और इस प्रकार से बचेगा कि e की पावर t माइनस का sin t अपॉन में वन अपॉन में टी, अपॉन में वन अपॉन में टी। देखिएगा अगर ये टी है, अगर ये टी नीचे है वन अपॉन में टी है, ठीक है ना, वन अपॉन में टी है, अगर मैं इस प्रकार से लिखूं ए बटे बी अपॉन में सी बटे डी, तो इसको हल करूंगा तो क्या लिखूं, अरे a अपॉन में b इंटू डी अपॉन में c, इस प्रकार से हल हो जाएगा ना, हो जाएगा। इतना सभी जानते हैं, अगर इतना सभी जानते हैं तो यहां पे जो 1 अपॉन में t है वो कहां चला जाएगा बता दीजिएगा एक बार, बढ़िया। तो यहां पे चला जाएगा t ऊपर, यहां पे बचेगा e की पावर t माइनस का साइन t, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आंसर का मैच कर लीजिएगा, कौन सा है, ठीक है ना, पांच नंबर आ गया इसका, ठीक है, सही है। अभी हमारा क्या है, राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है और 100% कहता हूं इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, शायद परीक्षा में आपकी किस्मत अच्छी रहे
तो यही क्वेश्चन डिटो कॉपी आ जाए। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये क्वेश्चन दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी है। लॉग टी का टी के सापेक्ष, अरे यार ई की पावर टी का टी के सापेक्ष, कोस टी का टी के सापेक्ष अवकलन के और भाग दिया है, ये टी है वो ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में भी समझा दिया है, तो ठीक है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से है। सेकंड, एक्स इजिकल टू ए थीटा प्लस का साइन थीटा और वाई इजिकल टू ए वन माइनस का कोस थीटा से हमें क्या निकालना है रे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिसको आता है वो वीडियो को एक बार रोक दीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंजाम दीजिएगा जिसको आता है वो, और जिसको नहीं आता वो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। देखिएगा सर्वप्रथम तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे प्राचल क्या है, यहां पे प्राचल क्या है। यहां पे आप बोलोगे सर प्राचल थीटा है, न कि ए, यहां पे प्राचल क्या है, यहां पे कोण कौन सा बन रहा है, आप बोलोगे थीटा कोण बन रहा है, यानी यहां पे प्राचल क्या है, थीटा है। तो हमें एक्स का थीटा के सापेक्ष और वाई का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में हमें डीवाई अपॉन डीएक्स चाहिए। तो इक्वेशन नंबर टू में इक्वेशन नंबर वैसे ही भाग देना एक का, देखिएगा किस प्रकार से। यहां पे एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए, ए को मैंने बाहर क्यों रखा है, क्योंकि ये एक अचर राशि है और अचर राशि के गुणा में चर हो तो अचर को सेम लिख देते हैं, ठीक है ना। यहां पे मेरे पास थीटा प्लस का है साइन थीटा, ए एक बार तो थीटा के सापेक्ष प्लस का एक बार साइन के सापेक्ष, देखिएगा x का x के सापेक्ष एक होता है, t का t के सापेक्ष एक होता है, y का y के सापेक्ष एक होता है, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष एक होगा, क्या होगा, एक होगा, एक प्लस में साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष कोस थीटा। इक्वेशन नंबर वन इतने तक आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद में आप करोगे y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर यहां पे समझिएगा dy अपॉन में d थीटा, यहां पे a अचर है इसको मैंने बाहर रख दिया ना। इसके बाद में यहां पे 1 माइनस cos थीटा और यहां पे ए अचर है, एक बार थीटा का अचर के साथ में माइनस का चिन्ह है डी अपॉन में डी थीटा और एक बार कोस के साथ में। तो अचर का मैंने बताया किसी भी चर के साथ अवकलन करते हैं तो हमेशा जीरो होता है, ए बार है इसका जीरो,
ये माइनस का चिन्ह बाहर है, कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष आप बोलोगे सर माइनस का साइन थीटा आएगा, क्या आएगा माइनस का, और माइनस पहले से प्लस का आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पे बचेगा ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर टू। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डीवाई अपॉन में डीएक्स। आप बोलोगे कि सर यहां पे मेरे पास में डीएक्स अपॉन डी थीटा और डीवाई अपॉन में डी थीटा के मान आ गए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पर भाग देंगे तो यहां से हमारे पास dy अपॉन में d थीटा, सॉरी dy अपॉन में dx आ जाएगा, क्योंकि d थीटा से d थीटा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास ऊपर तो है a, ये है sin थीटा अपॉन में, नीचे हमारे पास है a, ये है 1 प्लस में cos थीटा, ये क्या है 1 प्लस में cos थीटा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा अपॉन में वन प्लस में कोस थीटा। अब आप आंसर को देखिएगा, ठीक है ना, अगर आंसर यहीं तक दिया है तो यहीं तक कर लेते हैं, लेकिन आगे भी दिया है तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको हम आगे करते हैं, आगे किया इसने। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि 1 प्लस में cos थीटा और 1 माइनस में cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, पहले इस पे क्वेश्चन भी करवाया है, शानदार क्वेश्चन, और मैंने ये भी बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यहां तक रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था पीछे, अगर आपने कंटिन्यू क्लास देखी है तो आपके समझ में आ जाएगा यहां पर, अगर नहीं देखिए तो नहीं समझ में आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूं अब, ठीक है ना, क्योंकि आपको पहले वाली क्लास देखनी ही पड़ेगी, आप मजबूर हो उस पहले वाली क्लास को देखने के लिए अगर आपको पास होना है। तो यहां पे साइन थीटा है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है साइन टू ए का, साइन टू थीटा का, साइन टू बी का, कुछ भी लिख दो। यहां पे मैं लिखूंगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो मेरे पास यहां पे दो लग जाएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, टू साइन थीटा अपॉन में टू, साइन थीटा अपॉन में टू और कोस थीटा अपॉन में टू बन गया अभी, ठीक है। तो आपको यहां पे ये मान ही रखना है, ठीक है, तो मैं इसके मान पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये मान इसके होते हैं, और आपको मैंने सूत्र के जरिए उसको बताया था, हल करके बताया था सूत्र को, ठीक है ना, यहां पे आपको क्या याद करना है, ये सूत्र होते हैं। तो यहां पे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन में देखिएगा 1 प्लस में कोस थीटा है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, इसका फॉर्मूला बनेगा 2, अगर प्लस का है तो यहां पे क्या लग जाएगा कोस, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या बन जाएगा साइन, तो 2 cos theta by 2 cos theta by 2 cos की स्क्वायर कर देना, ठीक है ना, 2 cos की स्क्वायर theta by 2, अगर यहां पे माइनस आएगा तो यहां पे आप करोगे 2 sin की स्क्वायर theta by 2। तो एक दो से दो कैंसिल कर दिया, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा sin theta by 2 अपॉन में कोस थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा टेन थीटा बाई टू, आपका रिजल्ट आंसर आ गया, राइट रिजल्ट राइट आंसर हो गया आपका कि टेन थीटा बाई टू। आपको ये याद रखना है साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, और अगर प्लस आता है तो कोस में टर्म चेंज हो जाती है, अगर यहां पे माइनस आएगा तो इसको साइन में लिख देंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अभी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें से नहीं आएगा, हाँ पक्का आएगा इस क्वेश्चनों में से। मैंने आपको बताया था दो क्लासें लगाऊंगा, दो क्लासों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है अच्छे तरीके से,
और जिसको नोट करना है वो वीडियो को एक बार रोक दीजिएगा और अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, जो कोई भी नोट्स तैयार कर रहा है उसके लिए है ये। वैसे तो हमारे YouTube पे हमेशा के लिए क्वेश्चन रहेंगे, ये क्लासें रहेगी, क्योंकि मैंने पीछे भी क्लासें लगाई थी, 15 क्लासें लगाई थी पीछे, टोटल 15 लगाई थी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, इसलिए वो भी हमारे YouTube पे है, प्लेलिस्ट में है। और एक बार बता देता हूँ, कई कमेंट आते हैं, सर मेरे को कंटिन्यू क्लास नहीं मिल रही। हाँ, कंटिन्यू नहीं मिल रही, वो कहते हैं कि एक बार मेरे को पहली क्लास मिल जाती है इंट्रोडक्शन वाली, इसके बाद में कभी 10वीं मिल जाती है, कभी 11वीं मिल जाती है, कभी पहले वाली आ जाती है। तो आप क्या है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं इतनी जानकारी नहीं है तो किसी जानकार से पूछ लीजिएगा भी किसी चैनल के प्लेलिस्ट पे किस प्रकार से जाते हैं। प्लेलिस्ट में आपको टोटल क्लासें मिलेगी, प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट है, एक राजस्थान पुलिस की अलग है, आर्मी की अलग है, रेलवे एनटीपीसी की अलग है, रेलवे ग्रुप डी की अलग है, और आपकी 10वीं क्लास की अलग है, 12वीं क्लास की अलग है, एग्रीकल्चर बीएससी की अलग है, और जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग है, और पुराने वाली अलग है, नई वाली अलग अलग, अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप फॉलो करोगे तो आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये आशा करता हूं मैं। तो समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट कर दीजिएगा, हमें भी मालूम चले कि हाँ बच्चों के समझ में आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखिएगा, शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, कि 3 नंबर है हमारा क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिएगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं। x इज इक्वल टू 1 प्लस में t की होल स्क्वायर अपॉन में 2t, और ये है y इज इक्वल टू 1 माइनस में t की होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में t की होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, और आपको क्या ज्ञात करना है, भी dy अपॉन में dx ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आप तो ये बताइएगा यहां पे प्राचल क्या है, यहां पे प्राचल क्या है। तो आप बोलोगे सर यहां पे प्राचल क्या है, हमारा t है, हमें क्या है t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, t के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। जो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, मैं लिखूंगा यहां पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन x का t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। पूरी ये मैं छोटी लाइन लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन में हाफ लाइन लिख रहा हूं, ठीक है, मैं बोल पूरी लाइन देता हूं। यहां पे x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको कंप्लीट लिखना है, भी इस प्रकार से आपका काम नहीं चलेगा। मैंने ये तीर का निशान लगा दिया, ठीक है ना, तो आपको नहीं लगाना है ऐसा। यहां से आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी, यहां से आपके पास है 2t, 1 प्लस में t की स्क्वायर। ये वापस वही फॉर्मूला आ गया, हमारी क्लास इस फॉर्मूले पे कितने दिन चली थी, 3-4 क्लासें लगाई थी मैंने इसी फॉर्मूले पे, u इंटू वी और u अपॉन v पे। तो यहां पे हमारा कौन सा फॉर्मूला है, u अपॉन में v वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, u अपॉन में v वाला फॉर्मूला है यहां पे। और एक तरीका भी और भी है, उस तरीके से मैंने आपको कराया नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया, ठीक है। अगर वो तरीका रहेगा, अच्छा लगेगा, तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। अगर आपको पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस तरीके का, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा
कि वन प्लस में दो दूसरा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे एक्स रखूँगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स रखूँगा ठीक है ना, तो इसके अगर मैं यहाँ पे एक्स रखूँगा तो यहाँ पे टूटी है तो ऊपर टूटी बन जाएगा, उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे फॉर्मूले हम क्या है समाकलन में उपयोग में लेते हैं, अवकलन में नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे u अपॉन v से इसको हल करना है। तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। u अपॉन में v वाला फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा, v का स्क्वायर अपॉन में v को सेम du अपॉन में dx माइनस का u को सेम dv अपॉन में dx, बस इतना ही मान आपको ज्ञात करना है, इतना ही मान आपको ज्ञात करना है, यानी इसमें मान आपको पुट करना है dx में, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो 1 प्लस में t की होल स्क्वायर का, ये देख 1 प्लस में t की स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस में t की स्क्वायर, दो यहां पे अचर है तो इसको बाहर ले लिया। अब t d अपॉन में dt और t का करेंगे, माइनस का चिन्ह है 2t। अब देखिएगा d अपॉन में dt ये हो जाएगा 1 प्लस में t की स्क्वायर। इतने तक आपको समझ में आ गया ना, अच्छे तरीके से आ गया तो बहुत ही बढ़िया। dx अपॉन में dt यहां से हमारे पास बनेगा, t का t के सापेक्ष एक होता है तो यहां से बनेगा 2, ये बनेगा 1 प्लस में t की स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह है, ये हो जाएगा 2t। अब एक का होगा जीरो और टूटी का, सॉरी टी की स्क्वायर का होगा टूटी, क्या बन जाएगा टूटी। अब एक बार आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, यहां से मैं आपको हल करना बताऊंगा किस प्रकार से करते हैं, मैथमेटिक्स है ठीक है ना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं। तो मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, अभी टी सॉरी दो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस में टी की स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह है और अंदर प्लस का चिन्ह है तो माइनस प्लस माइनस ही बनेगा। दो मैंने बाहर ले लिया तो ये t इसके साथ में गुणा होगा तो माइनस का 2t की स्क्वायर बनेगा, बनेगा सर ठीक है, ये यहां पे है। अब देखिएगा ऊपर ये यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा दो बाहर है, ये 1 प्लस का है, ये प्लस के t की स्क्वायर है और ये माइनस के 2t की स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएंगे माइनस के टी की स्क्वायर अपॉन में, देखिएगा नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस में टी की स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना आपके अच्छे तरीके से। तो यहां पर आप इक्वेशन नंबर एक दे सकते हो नाम, क्या देख सकते हो, इक्वेशन नंबर एक नाम दे सकते हो। और मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां पर ये फॉर्मूला आपने देख लिया हुआ ठीक। अब हमें इसी प्रकार से y का t के सापेक्ष करना है, तो y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पे करेंगे dy अपॉन में dt, यहां से नीचे हमारे हमारे पास बचेगा, ये बनेगा v का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसके बाद में देखिएगा 1 प्लस में t का स्क्वायर d अपॉन में dt, यहां से बनेगा 1 माइनस का t का स्क्वायर अपॉन में माइनस का चिन्ह आएगा, 1 माइनस का t की स्क्वायर है d अपॉन में dt है और ये है 1 प्लस में t की स्क्वायर, ये है 1 प्लस में t की स्क्वायर। तो एक बार आपको अच्छे तरीके से यहां से अवकलन करना है ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, शानदार तरीके से यहां पे आपको समझना है। 1 प्लस में t की स्क्वायर को मैं सेम का सेम लिख रहा हूं, यहां से 0 माइनस का 2t t की स्क्वायर का, ये माइनस का चिन्ह है, यहां से 1 माइनस t की स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 0 प्लस के 2t। तो एक बात बताइएगा मेरे को, यहां से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2t कॉमन आ रहा है दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2t कॉमन आ रहा है,
ये वन प्लस में टी की स्क्वेयर, हाँ टू टी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, अंदर गुणा हुआ तो ये माइनस, ठीक है। अब हमारे पास बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का वन, माइनस और माइनस प्लस के टी की स्क्वेयर, ये बाहर ले लिया हमने और ये बचेगा वन प्लस में टी की स्क्वेयर की होल स्क्वेयर। तो ये प्लस का माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस के कितने बचेंगे, दो, दो बाहर है तो माइनस के हो जाएंगे चार टी अपॉन में वन प्लस में टी की स्क्वेयर का स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, टू। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है dy अपॉन में dx, क्या ज्ञात करना है dy अपॉन में dx। तो यहां पे लिखोगे समीकरण दो में समीकरण एक का भाग, भाग देने पर, तो यहां पे समीकरण दो में समीकरण एक का भाग दोगे तो आपके पास dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्वेश्चन नहीं रफ करूंगा, ठीक है ना, ज्यादा यहां से इतने में आ जाएगा, अपना काम चल जाएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन में dx, ये देखिएगा नीचे वाली वैल्यू दोनों की सेम है, नीचे वाला दोनों का dt सेम था तो dt से dt मैंने कैंसिल कर दिया। अब नीचे वाला दोनों का सेम है ना, ये देखिएगा, ये भी देखिएगा, वन प्लस टी की स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, वन प्लस टी की स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा 4t अपॉन में नीचे देखिएगा वन माइनस का टी की होल स्क्वेयर, वन माइनस का टी की होल स्क्वेयर और नीचे बचेगा ये, तो दो से दो कैंसिल करेंगे तो माइनस का टू टी अपॉन में वन माइनस का टी की होल स्क्वेयर, वन माइनस टी की स्क्वेयर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप मैथ भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। हाँ ठीक है, बुक वाले ने इतना कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे ऐसा। उसने ये लिख रखा है कि माइनस का टू टी, हमने नीचे से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास टी का स्क्वेयर माइनस वन हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी मैंने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो टी की स्क्वेयर माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ से टू टी अपॉन में टी की स्क्वेयर माइनस का वन, टी की स्क्वेयर माइनस का वन, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा मैंने तीन क्वेश्चन कराए हैं, सभी तरीके से मैंने करवा दिया उनको, अच्छे तरीके से करवा दिया, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आपको एक दो क्वेश्चन मैं करने को दे देता हूं, ठीक है ना, वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरा राइट आंसर हो गया, मैं आपको आंसर भी दूंगा इसका साथ में, ठीक है, उसके आंसर भी बताऊंगा आपको और क्वेश्चन भी लिख के दूंगा। यानी आपको कमेंट में कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, आपको इतना लिखना है सर मेरा क्वेश्चन राइट है, आंसर मैंने मैच करवा दिया, अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको करना जरूर है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, भी क्या है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आपको है पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, होमवर्क के लिए HW क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, x इज इक्वल टू टू cos t माइनस का cos 2t और y इज इक्वल टू आपके पास में है टू साइन का t माइनस का साइन 2t और आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा dy अपॉन में dx क्या होगा, देख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा है, अरे सात नंबर क्या, ठीक है,
आपका इसका राइट आंसर होगा कोस्टी माइनस का कोस्टी है, यहाँ पे माइनस का है कोस टू टी। नीचे देखिएगा क्या बनेगा, साइन टी और ये बन जाएगा टू कोस टी माइनस का वन। ये आपका इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। दो नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, आपको दो नंबर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। और दो नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि x इज इक्वल टू ए कोस की क्यूब टी और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, तो आपका dy अपॉन में dx हो जाएगा। आपका dy अपॉन में dx इस प्रकार से हो जाएगा, देखना है, माइनस का tan t, क्या है माइनस का tan t। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है तो कोई बात नहीं, एक और लिख लीजिएगा, शायद मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन करवा दिया है, अगर नहीं करवाया है, जिसने नहीं किया है वो कर लेना, अभी इसका आंसर ये है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलिएगा। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उस तरीके से कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू 380 अपॉन में 1 प्लस टी की क्यूब, वाई इज इक्वल टू 380 की स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस में टी की क्यूब, और हमें चाहिए डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन था लास्ट क्या इसका, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा टी टू माइनस के टी की क्यूब अपॉन में नीचे रहेगा वन माइनस के टू टी की क्यूब, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको क्या है, मेरे को कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है इसका ए आंसर है, ये आंसर रहेगा माइनस का tan t, और ये क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। तो आपको कमेंट करके बताना है मेरा दो नंबर सही है, या मेरा एक नंबर सही है, या मेरा तीन नंबर सही है, या मेरे तीनों सही है, या मेरे प्रथम दो सही है, या प्रथम के अंतिम दो सही है मेरे। तो इस प्रकार से आपको कमेंट करना है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे जोड़ना है, हम हमारे चैनल के बारे में सभी को बताना है, जो BSc एग्रीकल्चर के तैयारी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको हमारे चैनल के बारे में आपको जरूर बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना मत भूलिएगा हमारी क्लास को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।